Hi guys, this is Tushar and welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing good. So finally, आज हम reveal करने वाले हैं Jelly Bean की look. I hope जो जो modification हमने उस पर करी है वो आप सबको unique and अच्छी लगेगी. गाइस हमेशा से ही एक ड्रीम था मेरा कि एक प्रोजेक्ट कार पर वर्क करूं. हालांकि मतलब जो सोच रखा था वैसा नहीं हुआ, बट हाँ इतना हमने जरूर कर दिया कि Jelly Bean is now one of the best modified Swift in India. Yes guys, most probably India में ऐसी Swift किसी के पास नहीं है. हमने इसमें body kit पर upgrade करा है और भी बहुत सारी चीजें body kit और लोगों ने भी लगा रखी है. It's just जो कि हमने उस पर graphic design बनाया है वो किसी ने नहीं कर रखा अभी तक Swift कार पर. I hope वो भी आपको अच्छा लगेगा. आजकल आप रैप्ड कार्स तो बहुत देख रहे हो, Swift बहुत लोग रैप भी करा रहे हैं, बहुत चीजें मतलब रैप एक कॉमन हो गया, बट हमने एक ग्राफिक डिजाइन प्रिपेयर करा जो कि आपको अच्छा लगेगा. मेरे बिग ब्रदर ने Swift VXi परचेस करी थी 2018 में. आज 2021 ईयर चल रहा है, टाइम लगता है कुछ मॉडिफिकेशन होने में, बट यस आज Jelly Bean को देख के बहुत प्राउड फील होता है. लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले आप सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय करना, उसके बाद जो जो गाड़ी में मॉडिफिकेशन हो रखी है उसके बारे में डिटेल में आप सबके साथ शेयर करूँ. So guys, here is our Jelly Bean and अब मैं आप सबके साथ सारी modifications के बारे में explain करता हूँ. सबसे पहले एंड जो सबसे आई कैची है वो है ये graphic. This is inspired by a fictional character. अगर आपको पता है सासुके, तो ये उससे inspired है. उसका जो curved mark है वो हमने Jelly Bean को दिया है. साथ में बहुत सारे अपग्रेड्स हैं फ्रंट से. लाइक ये Swift VXi है तो कंपनी से आपको पता है रिफ्लेक्टर हेडलैम्प ऑफर होते हैं. हमने इसमें आफ्टर मार्केट प्रोजेक्टर नहीं लगाए हुए, इसमें टॉप मॉडल की लाइट्स लगाई हैं. लगते ही आफ्टर मार्केट है. लेट मी एक्सप्लेन यू कि इसमें क्या क्या हुआ है. गाइस ये लाइट्स मैंने ओपन करवाई एंड इसमें डीक्रोम कराया ताकि ब्लैक लुक आ जाए. एंड साथ में इसमें डेमोनाई इंस्टॉल करी है. एक बारी मैं आपको डेमोनाई की भी लुक दिखाऊंगा. सबसे पहले और जो फ्रंट में मॉडिफिकेशन हो रखी है उसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ. गाइस आप सबको पता है अगर आपने पहला पार्ट देखा है इस सीरीज का, तो उसमें मैंने आपको बॉडी किट की स्पेसिफिकेशंस बताई थी. तो बॉडी किट रॉ आती है, वो भी हमने इंस्टॉल करी है. फ्रंट बम्पर कुछ ऐसा मिलता है जो Swift स्पोर्ट्स GT है जो बाहर इंडिया से बाहर चलती है उसमें कंपनी ही देती है. अभी तक इंडिया में नहीं आई है बट हमने इम्पोर्ट करवा के बॉडी किट भी इंस्टॉल कर दी है. कलर हमने पहले व्हाइट कराया उसके बाद ये रैप हुआ है इस पर. साथ में नीचे आप देखोगे तो नीचे भी VXi मॉडल में हमारे को फॉग लैम्प्स नहीं मिलते थे, इसमें हमने फॉग लाइट प्रोजेक्टर इंस्टॉल करे हैं. और यहाँ पर एक स्प्लिटर आप देख रहे हो, ABS क्वालिटी का स्प्लिटर है, ग्लॉस ब्लैक कलर में ही आता है. एंड अगर आपको ये दिख पा रहा हो तो स्प्लिटर ना इसके साथ एक इनबिल्ड आता है बम्पर के साथ, बट हमने इसके नीचे एक और स्प्लिटर लगा दिया ताकि कार का जो लुक है ना वो फ्रंट से वो लोअर्ड लगे कार. और साइड में आप सबको पता है हमने इसमें 15x8J कॉनकेव व्हील्स लगा रखे थे. बस इसमें जो चेंज करे इसमें हमने न्यू टायर स्टिकर्स इंस्टॉल करें ताकि हमारा स्टैंड इंप्रूव हो जाए. एक बारी ना पीछे जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको लाइटिंग अपग्रेड भी चेक करा देता हूँ कि लाइट का एक्चुअली लुक है क्या. शांतनु एक बारी DRL ऑन करियो.
तो DRL का कुछ लुक ऐसे है। पार्किंग पे ये RGB ऑन हो जाएगी, ये जो आप देख रहे हो ना डेमनाई, इसमें ये फोन ऐप कंट्रोल्ड होती है, हम इसमें कोई भी कलर कर सकते हैं। लाइक अभी पर्पल पे है, एक बार रेड ग्रीन सब कुछ हो जाता है, जैसे आप ये देख पा रहे होगे। एंड ये फोन से शांतनु अंदर कंट्रोल कर, लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद हिम। हाय गाइस, शांतनु एक बारी ऐप दिखाइयो। दिस इज द ऐप थ्रू विच हम ये सारा चेंज कर सकते हैं अंदर से बैठे बैठे। एग्जैक्टली, एंड एक बारी ना मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कैसे चेंज होएगा। लाइक अभी ये ग्रीन पे है, तो जैसे मैंने रेड करा तो ये रेड पे हो जाएगी। हम इसको रेड पे ही करके रखते हैं क्योंकि रेड पे ही एक्चुअली पसंद आती है हमारे को, ये बाकी सबकी पर्सनल टेस्ट के ऊपर है। एंड कोई भी हम कलर पे कर सकते हैं, लाइक ये आप सबके आगे विजिबल है। अब मैं रेड पे ही कर देता हूँ क्योंकि हमारे को रेड पे ही अच्छी लगती है। एक बारी शांतनु फॉग लैंप्स ऑन करियो। तो ये फॉग लैंप्स जो प्रोजेक्टर है उसमें ये आप देख सकते हो, हमने व्हाइट LED लाइट डाली है। वैसे HID डालना बेटर होता है, बट उस टाइम हमारे पास LED रखी हुई थी तो हमने LED डाल दी। और गाइस ये ना DRL भी है, ये DRL भी ऑन हो जाता है, बट हमने वर्क नहीं करवा रखा जस्ट बिकॉज, क्योंकि यहाँ की और इसकी लुक दोनों ये जलेंगे ना तो वियर्ड लगेगा, ये हमारा पर्सनल मानना है, दैट्स व्हाई हमने DRL ऑन नहीं कराया। बाकी अगर किसी को DRL ऑन चाहिए तो ये ऑन भी हो जाएगा। सो गाइस ये कुछ अपग्रेड्स थे फ्रंट से, एंड प्लीज इग्नोर द टिंटेड विंडोज। एक्चुअली अब कार ना शो ज्यादा बन चुकी है, तो हमारे स्टोर के लिए करना पड़ता है ये सब, कि कोई आए तो हम उसको डेमो दिखा पाए। हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो हम रिमूव करके ही जाते हैं। बाकी प्लीज आप टिंटेड विंडोज को इग्नोर करना। और ये यहाँ पर साइड कटिंग्स है, बॉडी किट के पार्ट में ही आती है, हमने इसको ग्लॉस ब्लैक में पेंट करवा रखा है। एंड ये जो साइड मिरर्स हैं ये भी ब्लैक में रैप करे हुए हैं। अब गाइस जो जो हमने पीछे कर रखा है वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। पहले से ही आप सबको पता है मॉन्स्टर स्पॉइलर इंस्टॉल्ड था, बस हमने इसको ग्लॉस ब्लैक में पेंट करा दिया। एंड अगर आपने मेरा पुराना व्लॉग देखा हो तो उसमें मैंने टेल लाइट्स की डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। बाकी एक बारी मैं अभी इसको ऑन करवा के आपको चेक करा देता हूँ। पार्किंग ऑन करना, तो पार्किंग पे इसका कुछ ऐसे लुक है। ब्रेक पे और शार्प हो जाएगी। एंड मैट्रिक्स इंडिकेटर्स हजार्ड पे ऐसे, हजार्ड बंद कर दो। रिवर्स पे ये वाली लाइट एलिगेंट लुक देती है टेल लैंप्स। एंड पीछे से ही ये आपको दिख रहा होगा बॉडी किट का ये बम्पर है, रॉ आता है, इसको अगेन हमने व्हाइट और ग्लॉस ब्लैक में पेंट करा दिया। एंड गाइस ये जो आप टिप्स देख रहे हो ये हमने चेंज करवा रखी है, इसमें हमने वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट इंस्टॉल करवा दिया है। एंड गाइस इसके साथ ये रिमोट आता है, ये ऑफ का है, ये ऑन का बटन है, एक ये ऑन करना। सो गाइस ये भी ऑन हो रखा है, ये अब ऑफ हो गया गाइस। अब आप देख सकते हो बिल्कुल स्टॉक हो गई है साउंड। एंड अब ऑन करते हैं, गाइस वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट ना एक टाइप से स्ट्रेट पाइप ही होती है, एंड जब भी थोड़े से ये क्रैकलिंग साउंड होती है वेल्वेट्रॉनिक में। बाकी बेस्ट पार्ट वेल्वेट्रॉनिक का ये होता है कि हम कभी भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, एंड पेट्रोल कार्स में ये सक्सेसफुल है। अगर आपको भी वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट इंस्टॉल करवाना है तो डू कॉन्टैक्ट अस, हम हर एक कार में इसकी फिटमेंट कर सकते हैं। और हमने यहाँ पर दो टिप्स लगाई हैं, एक ये एंड एक ये वाली तो वर्किंग है, ये वाली वर्किंग नहीं है, ये जस्ट डमी है। एंड एक चीज और गाइस, ये जो बैक बम्पर है ना इसमें ना ये लाइट हमारे को मिलती है स्पोर्ट्स की। एज यू ऑल नो स्विफ्ट स्पोर्ट्स बॉडी किट है तो ये स्पोर्ट्स की बैजिंग मिलती है। इसमें लाइट भी ऑन कराने का ऑप्शन होता है, बट मैंने ऑफ करा रखी है क्योंकि ये मेरे को पर्सनली थोड़ा चीप लगता है, इसलिए मैंने ये ऑन नहीं कराई। ऑलरेडी आफ्टर मार्केट लाइट सफिशियंट है मेरे लिए, मेरे को वो ऑन नहीं करवानी थी। एंड बाकी जो जो बार बार से हो रखा था वो सब मैंने आप सबके साथ एक्सप्लेन कर दिया। 15x8J व्हील्स हमने ऑलरेडी इंस्टॉल करवा रखे थे नियो के। अगर आपको ये सेम व्हील्स चाहिए तो ये भी रेडी स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है, ये सारा स्टॉक रखा हुआ है इसका। एंड यहाँ पर टायर स्टिकर्स की भी आप लुक देख सकते हो, ये परमानेंट रबर टायर स्टिकर्स हैं। एंड इससे भी गाड़ी का जो स्टैंड है वो इम्प्रूव हो जाता है। हालांकि हमने कार लोअर्ड नहीं करी है, लेकिन स्टिल स्टिकर्स के बाद ना थोड़ा थोड़ा लगता है लोअर्ड है। एंड साथ में साइड स्कर्टिंग्स तो आप देख ही रहे हो कितनी अच्छी लग रही है। जो जो एक्सटीरियर में था वो सब मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिया है। एंड एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता था गाइस, ये ना हमारे कुरियर्स रखे हुए हैं, हम ना शिपिंग सर्विसेज ऑल ओवर इंडिया प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे ये वाला पुणे जा रहा है, ये वाला गाजियाबाद जा रहा है, ये पोलो की आफ्टर मार्केट टेल लैंप्स है, एंड ये स्प्लिटर किट है वो DRL है, वो महाराष्ट्र जाएगा, उसकी पैकिंग होनी अभी रहती है। अगर आप हमारा स्टोर विजिट नहीं कर सकते तो कोई इशू नहीं है, हम इसको बाहर भी डिस्पैच करवा देंगे।
अब गाइज देखो, हमने एक्सटीरियर तो जेली बीन का बहुत अच्छा कर दिया है, अब बात करते हैं इंटीरियर की। अभी तो इंटीरियर देखो स्टॉक ही है, लेकिन इंटीरियर का आपको एक हिंट देना चाहूंगा, जो फ्रंट सीट होती है ना, हम वो ही रिप्लेस कर देंगे। इस पे कोई नापा लेदर, कोई बकेट सीट कवर, ये सब नहीं लगेगा, कुछ अच्छा ही हम प्लान करेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द प्राइसिंग की भाई कितना कॉस्ट आ गया। सो गाइस देखो, एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना, वहां पर मैंने ब्रेक डाउन करके कॉस्ट डाल दिया होगा कि पर्टिकुलर चीज का क्या प्राइस है। अब आप में से बहुत लोग इंटरेस्टेड होंगे, वो चाहते होंगे कि भाई मेरे को ना, मैं आपको बेस मॉडल देके जाऊंगा एंड आपने बस सेम मेरे को ऐसे लुक दे देनी है। तो उसके लिए आप प्लीज हमारे को कॉन्टैक्ट करें, हम आपकी सेम लुक रेडी कर देंगे, कोई इशू नहीं है। आप किन्हीं किन्हीं का बजट होता है कि हाँ ये देखो इस मॉडिफिकेशन में तो देखो कॉस्टली है ये मॉडिफिकेशन जो हमने करी है, आप किन्हीं किन्हीं का बजट है कि भाई मेरा ना 20,000 बजट है, मेरा 50,000 है। तो जिस हिसाब से आपका बजट होएगा ना, हम वो ही मॉडिफिकेशन प्रिपेयर करेंगे। हमारी साइड से बिल्कुल ये ट्राई रहेगा कि आपकी कार को यूनिक बना दे जो आपका बजट है। ऑल्सो अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर भी हैं तो प्लीज हमारे को वहां पर भी फॉलो करें, वहां पर ना हम जो भी हमारे पास लेटेस्ट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी वीडियोस एंड पिक्चर्स डालते रहते हैं। नाउ लेट्स एंड दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें एंड मेरा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें।